बेटे को रेप केस से बचाने के लिए पुलिस बन फोन कर महिला से ठग लिए 90,000। जिले में साइबर अपराधी ने थानेदार के नाम पर महिला से 90,000 रुपए ठगी किया। साइबर अपराधी ने महिला को फोन पर कहा उसका बेटा रेप केस में फंसा है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में वो निर्दोष है। इसके बाद छोड़ने के नाम पर 5 बार में 90,000 की ठगी कर लिया। मामला जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब महिला का पुत्र घर पहुंचा, जिसके बाद महिला ने काजी मोहम्मदपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि अब तक आधा दर्जन लोगों ने इस तरह की शिकायत की है, लेकिन 90,000 रुपए की ठगी महज एक महिला से हुई है। उसके आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। महिला द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनका बेटा बाहर में कहीं रहता है और उनके द्वारा कोई रेप केस किया गया है, उनको दिग्भ्रमित किया गया। इस संबंध में महिला ने आवेदन दी है और FIR कर दी गई है और उसमें अभी जांच चल रही है। एक्चुअली उनका बेटा कहीं बाहर रहते थे, बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, तो उनको दिग्भ्रमित करके बताया गया कि आपका बेटा कोई रेप केस में फंस गया है। और वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि पुलिस वाले कोई हैं, पुलिस बन के जो है सो उनसे पैसे की मांग की गई। जैसे कि महिला बता रही थी उनकी बेटा कहीं आउट ऑफ स्टेट पढ़ाई करते हैं, तो इसी के द्वारा महिला जो है सो कुछ संशय में आ गई और कुछ पैसा जो है सो वो ठग लिया गया है। इसमें दिया गया कुछ पता चल पाया? FIR नहीं, 90,000 की बात आ रही है। एक्चुअली तो FIR में देखने के बाद पता चलेगा। इस पे सर आगे प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, इसमें अभी अनुसंधान चल रही है। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।